Audio Jungle. स्पेशल शामी कबाब की रेसिपी को, यहाँ मैंने बीफ लिया है तकरीबन हाफ के जी, और मैं कीमा यूज़ नहीं करती हूँ शामी कबाब के लिए। मैंने बोटियों को छोटे छोटे पीसेज में कटवा लिया है, और इसमें थोड़ी सी चिकनाई भी मैंने ऐड की है, इससे शामी कबाब का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। इसके अलावा यहाँ मैंने चने की दाल ली है, जिसे मैंने तकरीबन एक घंटे से सोक करके रखा है, एक पाव। अब यहाँ पर थोड़े से मसाले हैं जो मैं आपको नोट करवा देती हूँ जी। यहाँ मैंने दो छोटे छोटे आलू लिया है, यहाँ मैंने पिसा हुआ गरम मसाला हाफ टी स्पून लिया है, यहाँ मैंने हल्दी भी हाफ टी स्पून यूज़ की है, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च हाफ टी स्पून, नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, और ये देखें मैंने साबित मिर्चों की जगह इस तरह की सूखी हुई मिर्च यूज़ की है। मैं हरी मिर्चों को इस तरह ड्राई कर लेती हूँ और उसके बाद जो है मैं इसको यूज़ करती हूँ, तो ये इस तरह यूज़ किए। ये रह गए हमारे सारे टोटल मसाले, और अब मैं ये सब चीज़ों को एक साथ एक पतीली में डालूंगी, अंदाजे से थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे बॉईल करने दूंगी। और अगर आप प्रेशर कुकर में बनाना चाहते हैं तब भी इजीली बन जाएगा, आप इसे प्रेशर कुकर में डालें और फर्स्ट सीटी आने तक आप इसे गला लें। तो ठीक है, मैं इसको गला के बॉईल करके आपको दिखाती हूँ कि किस स्टेज पे मैंने चूल्हे का फ्लेम ऑफ किया और मुझे आगे क्या करना है, राइट। हाँ, हमारा जो शामी कबाब का बैटर है वो बिल्कुल तैयार है माशाल्लाह, और ये सारे आलू वगैरह से मैंने सारे छिलके भी उतार लिए थे, बोटियों को मैंने थोड़ा हाथ से रेशा कर लिया। अब मैं इसे चॉपर में अच्छी तरह पीस लूँगी, आप चाहें तो सील पे भी इसको पीस सकते हैं, ठीक है। और इंग्रेडिएंट्स में मैं एक चीज़ मिस कर गई थी जो मैं आपको बताना चाहूँगी, वो ये है कि मैंने इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल किया था जब मैंने इसे बॉईल करने के लिए चढ़ाया। तो मैं इसको पीस लेती हूँ, और यहाँ पे पीसने के बाद मैं आपको 2 टिप बताऊँगी, ठीक है। अब इस शामी कबाब में मैं हरा मसाला ऐड कर दूँगी, ये मेरे पास हाफ बंच हरा धनिया के और 3 से 4 हरी मिर्चें हैं, इनको मैं अच्छी तरीके से इसमें ऐड कर दूंगी, और साथ ही इसमें 1 अंडा चला जाएगा, और इन सब चीज़ों को मैं आपस में मिक्स कर लूँगी। ये हमारे शामी कबाब का बैटर मुकम्मल तौर पे तैयार है। अब यहाँ पे 2 छोटे छोटे से टिप आपसे शेयर कर दूँ, अगर आपका शामी कबाब बहुत ज़्यादा रनी हो जाए अंडा शामिल करने के बाद, तो आप इसमें 2 to 3 टेबल स्पून ब्रेड क्रम्स या 1 ब्रेड का स्लाइस ऐड कर दें, ये बिल्कुल ओके हो जाएगा। और अगर बहुत ड्राई हो तो एग शामिल करने से ही वो सही हो जाएगा, ठीक है। मैं इसे फ़ौरन कबाब नहीं बनाऊंगी, मैं इसे तकरीबन आधे घंटे फ्रिज में रख दूंगी, तो ये बहुत अच्छी तरीके से कबाब के शेप में ले आऊँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, मैंने तमाम शामी कबाब रेडी कर लिए हैं, इनको शेप्स दे दी। मेरे घर तकरीबन मीडियम रखे जाते हैं साइज़, इसलिए मैंने मीडियम साइज़ दिए हैं, आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग इनको साइज़ दें। और ये देखें, ये तकरीबन मैंने हर एक कबाब को 50 ग्राम बनाया है, और ये मेरे तकरीबन 14 कबाब बने हैं टोटल, ठीक है। तो आ जाए मैं आपको इसका फाइनल रिज़ल्ट दिखाती हूँ। इस स्टेज पे आप इसको सेव भी कर सकते हैं, कुछ देर आप इसे फ्रिज में रख दें, फ्रीज़र में रख दें, थोड़ा हार्ड हो जाए तो फिर आप इसे इजीली जिप लॉक बैग में सेव भी कर सकते हैं।